पिछले कुछ दिनों से हम लोग एलजी निवास पे, मैं, मनीष जी, सतेंद्र जैन जी, गोपाल राय जी, हम चारों यहाँ बैठे हुए हैं। सोमवार को हम लोग यहाँ पे आए थे, शाम को एलजी साहब से मिले थे। हमने उनसे दो निवेदन किए थे कि एक तो अफसरों की, आईएएस अफसर पिछले 4 महीने से हड़ताल पे, उनकी हड़ताल ख़त्म करवाइए, और दूसरा डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ राशन कराइए। पिछले 4 महीने भी एलजी साहब से हम कई बार मिले, पर जब भी हर बार मिलते थे वो कहते थे हाँ मैं कराता हूँ, 1 हफ्ते का टाइम दो, हाँ मैं कराता हूँ, 1 हफ्ते का टाइम दो। तो वैसे ही इस बार भी उन्होंने जब सोमवार को मिले तो कहते हैं 1 हफ्ते का टाइम दो। सो हमने कहा जी इस बार हम बैठे हैं यहाँ पे, आप अपना टाइम ले लीजिए और इस बार तो हम करा के जाएंगे। मुझे ये उम्मीद थी कि वो तुरंत इसको कर देंगे। इस दुनिया में एक शख्स बता दो जो ये कहे कि आईएएस अफसरों की हड़ताल जायज़ है, एक शख्स। हो सकता है कोई कह सकता है कि आईएएस अफसरों की हड़ताल जायज़ है? मुझे उम्मीद थी कि जैसे ही हम ये कहेंगे 2-4 घंटे के बाद एलजी साहब कहेंगे ठीक है मैंने हड़ताल ख़त्म करा दी, अब आप लोग जाओ। मुझे बेहद आश्चर्य हो रहा है कि आज 5वां दिन है और वो हड़ताल ख़त्म कराने के लिए तैयार नहीं है। मुझे यकीन नहीं हो रहा। हमने एलजी साहब को कहा, कल मनीष सिसोदिया जी ने एलजी साहब को फिर एक चिट्ठी लिखी, मिलने का टाइम मांगा, एलजी साहब को व्हाट्सएप किया मैसेज कि भाई क्या हुआ अभी तक, हम आपसे मिलना चाह रहे हैं। एलजी साहब ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैं प्रधानमंत्री जी को कल चिट्ठी लिखी कि वे प्रधानमंत्री जी आप कुछ कीजिए, उनका कोई जवाब नहीं आया। आज मैंने प्रधानमंत्री जी को फिर चिट्ठी लिखी है, मैंने उनसे कहा प्रधानमंत्री जी आप ये बताओ कि अगर आपकी मीटिंग्स में अफसर आना बंद कर दें, आप एक दिन भी सरकार चला सकते हो? नहीं चला सकते। तो फिर आपने दिल्ली के आईएएस अफसरों की हड़ताल क्यों करा रखी है? ये तो ठीक नहीं है, दिल्ली वालों को इस तरह से परेशान करना ठीक नहीं है। अब मेरे को ये लगने लगा है 5 दिन हो गए और ये आईएएस अफसरों की हड़ताल ख़त्म नहीं कराना चाहते, और उधर बीजेपी के नेता आईएएस अफसरों की हड़ताल के समर्थन में बैठ गए हैं धरने पे। वाकई बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। तो मैं सोचा था क्यों करवा रहे हैं हड़ताल, इसका एक ही कारण है। कारण है दिल्ली के अंदर पिछले 3 साल में जब से आप लोगों ने आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई है, दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई है, इतने काम हुए हैं शिक्षा में, स्वास्थ्य में, बिजली में, पानी में। इन लोगों का उसका जवाब देना अब मुश्किल हो रहा है। मनीष सिसोदिया जी ने दिल्ली के स्कूलों का काया पलट कर दिया। तो प्रश्न उठ रहे हैं कि भाई बीजेपी की तो 15 साल से मध्य प्रदेश में सरकार है, उन्होंने क्यों नहीं किया? गुजरात में तो उनकी 20-25-30 साल से सरकार है, उन्होंने क्यों नहीं किया? दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक बन गए, सारे अस्पतालों में दवाइयां फ्री हो गई, टेस्ट फ्री हो गए, इलाज मुफ्त हो गया, सरकारी अस्पतालों का काया पलट हो गया। तो लोग पूछ रहे हैं भाई 15 साल से मध्य प्रदेश में तुम्हारी सरकार है, 10 साल से छत्तीसगढ़ में तुम्हारी सरकार है, 30 साल से गुजरात में तुम्हारी सरकार, तुमने क्यों नहीं किया? आज दिल्ली में सबसे सस्ती बिजली हो गई, तो अब मध्य प्रदेश में आवाज उठ रही है भाई दिल्ली में केजरीवाल की सरकार कर सकती है इतनी सस्ती बिजली, तुम क्यों नहीं कर सकते? ये जवाब देने बीजेपी को मुश्किल हो रहे हैं। तो उसका तरीका क्या है? वो अपने राज्य में तो कर नहीं पा रहे, करना नहीं चाहते, तो केजरीवाल को मत करने दो, इसमें टांग अड़ाओ, हर काम में टांग अड़ाओ, केजरीवाल को रोको, किसी भी तरह से रोको। तब इन्होंने मिलकर आईएएस अफसरों की हड़ताल करा दी, इसलिए मेरे को यहाँ बैठना पड़ रहा है, इसलिए हम सारे यहाँ बैठे हुए हैं। कोई हमें मज़ा थोड़ी आ रहा है। कुछ टीवी चैनल वाले चला रहे थे कल, हम लोगों ने सोशल मीडिया पे देखा, केजरीवाल अंदर एसी धरने में, सोफे का धरना। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि मैं यहाँ अपने लिए बैठा हूँ क्या? मैं यहाँ अपने बच्चों को नौकरी दिलाने के लिए बैठा हूँ क्या? मैं यहाँ पे अपने घर के किसी काम के लिए बैठा हूँ क्या? ये मनीष, सतेंद्र, गोपाल राय जी
को इतनी तकलीफ रहती है, हम यहाँ अपने लिए बैठे हैं क्या? हमें मजा आ रहा है? 4 दिन सोफे पे सो के देखो आप, कोई आसान काम है क्या? हमें कोई मजा आ रहा है क्या? कह रहे हैं एसी धरना, ऐसे जैसे कि हमारे घर में भी एसी लगा हुआ है, एसी का ही वो करना होता, हम घर में एसी में बैठ जाते हैं। कोई एसी में बैठने के लिए हम यहाँ आए हैं क्या? हम यहाँ पे दिल्ली के लोगों के काम में जो अड़चनें पैदा की जा रही हैं प्रधानमंत्री जी के द्वारा, एलजी साहब के द्वारा, आईएएस अफसरों के द्वारा, उसको ख़त्म कराने के लिए आए हैं हम लोग। हम दिल्ली की जनता के लिए आए हैं। हम दिल्ली की जनता के स्कूल बनने में जो अड़चनें आ रही हैं, मोहल्ला क्लिनिक बनने में जो अड़चनें आ रही हैं, राशन देने में जो अड़चनें आ रही हैं, जो दिल्ली के लोगों के काम कराने में अड़चनें पैदा की जा रही हैं, उन अड़चनों को दूर करने के लिए आए हैं। कुछ लोग कह रहे थे बाहर इतना पर्यावरण की दिक्कत हो रही है, पिछले 4 महीने से पर्यावरण सेक्रेटरी, पर्यावरण मंत्री की मीटिंग अटेंड नहीं कर रहा। हर 15 दिन में पहले मीटिंग हुआ करती थी, रिव्यू मीटिंग होती थी, 4 महीने से मीटिंग नहीं हुई। पर्यावरण सेक्रेटरी जो है दिल्ली का, एनवायरमेंट सेक्रेटरी, वो मीटिंग में नहीं आता। क्या करें हम, कैसे करें हम? तो ये मीडिया वालों से मेरी निवेदन है, दिल्ली तुम्हारी भी है, थोड़ा सोच समझ के। मैं जानता हूं आप हमेशा हमारे खिलाफ ही बोलते हो, पर थोड़ा सोच समझ के। आज मैंने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है फिर से, मैंने फिर से उनसे कहा है कि भाई कुछ करो आप, और ये ठीक नहीं है आपका इस तरह से आईएएस अफसरों की हड़ताल करवाना। परसों प्रधानमंत्री जी के घर पे सब लोग जाएंगे, उनसे निवेदन करने के लिए जाएंगे कि प्रधानमंत्री जी, दिल्ली के बहुत लोग जाएंगे, मेरे को पता चला है काफ़ी लोग जाएंगे, प्रधानमंत्री जी से निवेदन करने जाएंगे कि प्रधानमंत्री जी इस हड़ताल को ख़त्म कराओ, दिल्ली के लोगों को इस तरह से परेशान मत करो। मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी परसों कर देंगे, संडे को जो जाएंगे सब लोग। अगर नहीं करते तो अब एक एक घर में जाना पड़ेगा। याद है जैसे आप लोगों ने सबने मिलके बिजली आंदोलन किया था दिल्ली में, एक एक घर में गए थे, ऐसे ही संडे के बाद, रविवार के बाद कम से कम 10 लाख परिवारों में, 1 मिलियन फैमिलीज, 10 लाख परिवारों में कार्यकर्ता जाएंगे, दिल्ली के लोग जाएंगे, लोगों को समझाएंगे और प्रधानमंत्री जी के नाम एक चिट्ठी पे दस्तखत करवाएंगे कि प्रधानमंत्री जी दिल्ली के लोगों के काम में अड़चने मत अड़ाइए, आईएएस अफसरों की हड़ताल ख़त्म कीजिए, दिल्ली के काम में अड़चन मत अड़ाइए और दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाइए। और 10 लाख परिवारों पर जब साइन हो जाएंगे तो पूरी दिल्ली इकट्ठा होकर आंदोलन करेगी पूर्ण राज्य के लिए और इन आईएएस अफसरों की हड़ताल ख़त्म कराने के लिए। जय हिंद।